तो भाई रिसेंटली राजवीर सिसोदिया जाने वाले मुंबई, वो भी 2 मिनट के लिए नहीं 2 दिन के लिए। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला था कि आया था 2 मिनट रहा चल दिया, तो उसी पे राजवीर सिसोदिया एक थोड़ी लगाते कि अब मैं मुंबई आने वाला हूँ 2 मिनट के लिए नहीं 2 दिन के लिए, उखाड़ना है तो उखाड़ लो जो उखाड़ना है। वैसे राजवीर सिसोदिया एजाज भाई के लिए नहीं जा रहे उधर, उनको एक फिटनेस कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है, उस अवार्ड को कलेक्ट करने जा रहे उधर पे। तो भाई अब मुंबई आ रहे तो थोड़ा बहुत फ्लेक्स फ्लेक्स मार के आएंगे, कहीं मिल ना जाए एजाज भाई उधर। तो चलो इसी के बाद नेक्स्ट अपडेट लेते हैं, जो कि है हनी सिंह के किसमी एल्बम के लेडी सिंगर के। मतलब रिसेंटली उनको एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हनी सिंह और बादशाह, तो उस पे वो रिएक्ट करते हुए बोलती हैं कि मेरे को इन दोनों के बीच मत पीसो, आप लोगों को पता ही होगा मेरा करियर हनी सिंह ने बनाया, तो ऑलवेज मैं हनी सिंह को ही चुनूंगी, बादशाह के बारे में मुझे कुछ अता पता है नहीं। मतलब ऐसे कुछ रिएक्शन था, सुन लो। एवरीथिंग बिकॉज ही काइंड ऑफ मेड मी राइट एंड ही गिव मी माय बिगेस्ट थिंग, सो एंड आई लव हाउ एक्सपेरिमेंटल ही इज बीइंग विद हिज ओन म्यूजिक। I don't follow too much of Badshah's music yet. I do think we all need to get over the competition. तो चलो इसी के बाद बात कर लेते हैं सीएम सिंह राजपूत के। रिसेंटली सीएम सिंह राजपूत रजत दलाल को चैलेंज करते हैं इस तरीके से मैच के पहले। देख हरियाणा वालों को पता चलेगा कि कोई हो कहीं से हो फर्क तो पड़ता है ठीक है। यही चीज कॉन्फ्रेंस में सुननी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मिलेगी 2 घंटे की तो बात है, क्या टाइम हो गया बस साढ़े चार घंटे में या तो ये स्टोरी डिलीट होगी। अरे नहीं नहीं डिलीट नहीं होगी भाई, नहीं होगी, सारा फर्क पड़ता है याद रखना। तो चलो इसी बात कर लेते आइसो स्पीड के। रिसेंटली आइसो स्पीड इंडोनेशिया में लाइव कर रहे थे और भाई की लाइव वॉचिंग 1 मिलियन क्रॉस कर गई, तो इसी पे आइसो स्पीड भाई उधर ही रोने लगा। अब रो ही गए ना भाई ने, इतनी मेहनत की 3 साल से और आज आके 1 मिलियन लोग लाइव देख रहे हैं आइसो स्पीड को। तो भाई ये इमोशनल मूवमेंट है, पता नहीं मेरा कब जाएगा 1 मिलियन लाइव व्यूवर, तो नहीं 1 मिलियन व्यूज तो चले जाए किसी एक वीडियो पे, भगवान करवा दो यार।